चिंटू पिंटू, आज से इस गांव की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। तुम्हें इस गांव की रक्षा करनी होगी। जी सर, हम हमारे दो रोबोट के साथ इस गांव के अपनी पूरी जी जान लगा के रक्षा करेंगे। ऑफिसर, हमारे पास भी रोबोट है, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा? तुम दोनों के कारनामे हम लोगों को पता है, तुम गांव वालों की कभी भी मदद नहीं करते। यह तो चीटिंग है, हम दोनों के रोबोट में हमें मुकाबला चाहिए। हाँ, मुकाबला होना चाहिए। चिंटू पिंटू, दिखा दो अपने रोबोट की ताकत इन दोनों को, जल्दी से यहाँ से निकलना ही होगा। हाँ, हमें यहाँ से जाना ही होगा, नहीं तो वो एलियन हमें मार देंगे। पर हम लोग उनसे छुप कर जाएंगे कहाँ? हम हमारे पड़ोसी ग्रह पृथ्वी पर जाएंगे। और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू और बक्कू के रोबोट में फाइटिंग चल रही थी। चिंटू का रोबोट बक्कू के रोबोट पे भारी पड़ रहा था। अभी मेरा एक रोबोट बाकी है, सीटू हमला करो। सीटू रोबोट बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने चिंटू के रोबोट को एक ही किक में ढेर कर दिया। यह रोबोट तो डीएक्टिवेट हो गया, रोबोट अब उसे भी कर दो। जाओ रोबोट, उस रोबोट को हरा दो, वो बहुत शक्तिशाली है, अपना पूरा दिमाग लगा के उसे हरा देना। तब वो दोनों रोबोट एक दूसरे से लड़ने लगे। चिंटू पिंटू का रोबोट उसे हरा देता है। अरे नहीं, हम तो हार गए इससे। हार गए ना, इसलिए हमें अच्छे के लिए लड़ना चाहिए। चिंटू पिंटू के जीतने के बाद वो ऑफिसर वहां से जाने लगा। उस दिन के बाद चिंटू पिंटू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गांव की रक्षा करने लगे, और दूसरी तरफ वो एलियन पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे। वो एलियन चिंटू पिंटू के गांव के पास के जंगल में आ जाते हैं। आखिर हम यहां तक पहुंच ही गए, पर यहां पर भी हमें थोड़ी दिन के लिए छुप के रहना पड़ेगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मैं इस स्पेसशिप को भी गायब कर देता हूँ। सर, हमने वो स्पेसशिप डिटेक्ट कर ली है। शाबाश, अब आएगा मजा, हम उन एलियन को डिटेक्ट करके पकड़ लेंगे। जाओ उन्हें पकड़ के हमारे लैब में ले आओ। और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू जंगल में आकर मस्ती करने लगे। चिंटू और पिंटू बहुत दिनों के बाद ऐसे अकेले में खेल रहे थे, पर वो एलियन उन दोनों पर नजर रख रहे थे। कौन लोग हैं वहां पर? अरे नहीं, उन रोबोट्स ने हमें देख लिया। चिंटू और पिंटू के रोबोट उन एलियन को देख लेते हैं और उन्हें खतरा मान के उनको कैद कर देते हैं। उन एलियन को ढूंढते ढूंढते वो बिजनेसमैन भी जंगल में आ जाता है। अच्छा मौका देकर इन लोगों का काम तमाम कर देना तुम लोग। वो रोबोट उस ट्रक को लेकर गांव में आ जाते हैं। गांव में सभी तरफ शांति ही शांति थी, सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। अटैक कर दो इस गांव पे। वो लोग उन पर मिसाइल से हमला कर देते हैं और इस हमले में चिंटू पिंटू के रोबोट घायल हो जाते हैं। वो मिसाइल यहाँ वहाँ गिरने लगी, इससे गांव वालों को भी नुकसान होने लगा। इस हमले में कई गांव वाले जख्मी हो जाते हैं। उन एलियन को भी बहुत चोट आ जाती है। हमारा ये हमला तो सक्सेसफुल हो चुका है, अब रोबोट्स की बारी। तब तक चिंटू पिंटू भी वहां पर आ जाते हैं। वो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। चिंटू पिंटू, हम तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। अरे ये एलियन तो हमारी मदद मांग रहा है, तो ये हमले कौन कर रहा है, कौन है वो? तब वहां पर उस बिजनेसमैन के दो रोबोट आ जाते हैं। लगता है ये दो रोबोट इन एलियन के पीछे पड़े है। बच्चों, सीधे सीधे वो एलियन हमारे हवाले कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। चिंटू, क्या हमारे रोबोट खड़े हो पाएंगे? रोबोट, तुम दोनों को खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये सब देखकर चिंटू का रोबोट खड़ा होने लगा। वो सभी रोबोट एक दूसरे से लड़ने लगे। चिंटू पिंटू के रोबोट उन सब पर भारी पड़ने लगे।
बुरे रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे थे। वो एलियन भी खड़े होने लगे। अरे वाह, ये एलियन तो सही सलामत है। चिंटू पिंटू के दोनों ही रोबोट खड़े हो जाते हैं। सामने सिर्फ एक ही रोबोट बचा था। चिंटू और पिंटू के रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पे वार कर देते हैं और वो रोबोट ढेर हो जाता है। हमारे रोबोट तो हार गए, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उस बिजनेसमैन के लोग वहां से जाने लगे। भागो, हमेशा अच्छाई की तो जीत होती है। तो जॉनी, आज हो ही जाए। रोबोट, उसके रोबोट को तोड़ दो। वो दोनों रोबोट ऐसे ही एक दूसरे को रोज ही मारा करते थे और ये दोनों मजे लिया करते थे। इन रोबोट के लड़ाई के कारण गांव वालों का बहुत ही नुकसान हुआ करता था। इसकी वजह से चिंटू पिंटू भी इन दोनों से काफी परेशान थे। दोनों ही रोबोट एक दूसरे को बहुत ही बेदर्दी से मारने लगे और एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे थे। तब चिंटू पिंटू वहां पर आ जाते हैं। बकू और जॉनी, जल्दी से ये तमाशा बंद कर दो, वरना क्या उखाड़ लोगे हमारा। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत ही गुस्से में दिख रहे हो। अंकल, आप अपने बेटे को समझा दीजिए कि गांव में ऐसे तमाशे ना किया करें, क्योंकि इस वजह से गांव वालों का बहुत ही नुकसान होता है। सिर्फ इस बार उसे माफ कर दो, अगली बार तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिंटू, चिंटू को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। चिंटू पिंटू, तुमने स्मगलर को पकड़ के बहुत अच्छा काम किया है। सर, वो दोनों हमें बहुत परेशान कर रहे, उन दोनों का खेल हमें खत्म करना ही होगा। हाँ, उन दोनों का खेल तो हमें खत्म करना ही होगा। सिर्फ गांव वालों का ध्यान रखना और हमारे प्लान के हिसाब से ही करना। बस इसी दिन का तो इंतजार था। और एक बात याद रखना, भूल कर भी भूल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा परिवार खत्म। आप बेफिक्र रहिए सर। चिंटू पिंटू अपने लैब में अपने दोनों रोबोट को चार्ज कर रहे थे, तभी उनको एक अलर्ट मिलता है। चिंटू, ये क्या है, कैसा अलर्ट है? पिंटू, जंगल और बेजान सिटी में बेहद ही खतरनाक अलर्ट दिखा रहे हैं। अब हम क्या करें चिंटू? हमें वहाँ पर जाना ही होगा पिंटू, पर हम रोबोट नहीं ले जा सकते, अभी वो चार्ज नहीं है। हमें चुप चुप के ही उनपे ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। तो पिंटू जंगल में जाता है और वहाँ का नजारा देख के वो हैरान हो जाता है। पहली बकरी तो फंस गई जाल में। चिंटू बेजान सिटी में जाता है, पर उसे वहां पर कोई नहीं दिखता, पर अचानक उस पे हमला होता है। दूसरा भी फंस गया हमारे जाल में। पिंटू, तुमने मेरा माल पकड़ा के बहुत बड़ी गलती कर दी चिंटू, और मुझसे पंगा लेके उससे भी बड़ी। मतलब इन सब के पीछे आप हो, स्मगलर गैंग के लीडर भी आप हो। हाँ, मैं ही उनका लीडर। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, अभी मुझे गांव को हड़पना बाकी है और थोड़ी ही देर में इसका खेल भी खत्म कर देना। जी सर, हो जाएगा। पिंटू को उन लोगों ने एक जालोमुखे के पास कैदी बना के रखा था, तभी उसका रोबोट उसके पास पहुँच जाता है। तुमने यह करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने इनको किडनैप करके उससे भी बड़ी गलती कर दी। तब दोनों रोबोट बेहद ही गुस्से में एक दूसरे पे हमला करने के लिए आगे बढ़े। एक पिंटू को मारने के लिए और एक पिंटू को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आज तुम दोनों यहाँ से बच के निकल नहीं पाओगे, मुझसे ताकतवर रोबोट कोई नहीं होगा। तब वो रोबोट उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है।
काफी देर लड़ने के बाद पिंटू के रोबोट के लगातार वार से उसका इंटरनल सिस्टम डैमेज हो जाता है और रोबोट हार जाता है और चिंटू के पास भी रोबोट पहुंच जाता है। देखो मेरा रोबोट मुझे ट्रैक करते करते मेरे पास पहुंच गया, अब तुम्हारा क्या होगा? रोबोट उस रोबोट को चकनाचूर कर दो। फिर से दोनों रोबोट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। चिंटू का रोबोट उस रोबोट पर लगातार वार कर रहा था। चिंटू पिंटू ने अपने रोबोट्स को इंटरनल सिस्टम से डैमेज करते हुए उसकी ट्रेनिंग दी थी। चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट की इंटरनल सिस्टम डैमेज कर देता है। अब तू कहां जाएगा हमसे बच के? अब सिर्फ एक ही बाकी है। तब बकू के पिता गांव में आके उन गांव वालों को बोलते हैं कि ये दोनों रोबोट आज से आपके लिए होंगे। तब चिंटू पिंटू वहां से बच के अपने गांव में आ जाते हैं। गांव वालों तुम इस आदमी पे भरोसा मत करो, यही है स्मगलर गैंग का लीडर। सर ये पिंटू क्या बोल रहा है, क्या आप स्मगलर गैंग के लीडर हो? क्या तुम लोग इस बच्चे का विश्वास करोगे? चाहे तो मैं ये साबित कर सकता हूँ, इसके सब आदमियों को मैंने पकड़ लिया है और सब मेरे पास है। तब सब गांव वाले उससे डर के वहां से भागने लगते हैं। तब सभी रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी रोबोट एक दूसरे को बेहद ताकत से मारने लगते हैं और एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। चिंटू पिंटू के रोबोट मौका दे के ही वार कर रहे थे, इससे ज्यादा से ज्यादा उन रोबोट की हालत बेकार हो गई थी। पर आखिर में चिंटू पिंटू के रोबोट जीत ही जाते हैं।